नमस्कार एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आप सभी का अपना इंडिया रेलवे के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप सभी को राखी की ढेरों सारी शुभकामनाएं अपना इंडिया रेलवे परिवार की तरफ से। तो राखी तो शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमारे उदयपुर अहमदाबाद का रूट अभी भी खाली और सूना जो है पड़ा हुआ है। तो इस रूट को लेकर हम नई नई खबरें और जो भी यहाँ पर नए अपडेट आती है उसको लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बनाकर जो है देते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है एक नई और बड़ी जो न्यूज आई है वह यह होने वाली है कि लगभग यहाँ पर ना भाई 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में 4 ट्रेनों को शुरू कराने की तैयारी जो है की जा रही है। इनका रिस्टोरेशन जो है किया जा रहा है, नई ट्रेनें होने वाली है, इनके लिए कोच वगैरह को सजाया सजाने का काम जो है हाई लेवल पर किया जा रहा है। कौन कौन से कोच देना है, कब कब स्टेशन पर स्टॉपेज देना है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना इसको बनाने का कार्य शुरू है। तो कौन कौन सी ट्रेनें होने वाली है और किस रूट पर चलने वाली है और कब चलेगी, तो जानेंगे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई अहमदाबाद उदयपुर बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। इसकी इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ सिर्फ अहमदाबाद और उदयपुर, जो कि एक जो है गुजरात में आता है, दूसरा जो है राजस्थान में आता है, तो सिर्फ दोनों राज्यों को इस रूट के कंप्लीट होने की डेडलाइन को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इस रूट को बड़े हाई लेवल पर जो है इसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप जो है किया जाने वाला है। क्योंकि पर्यटक एजेंसियों की नज़र इस रूट पर है, क्योंकि उदयपुर अभी जहाँ मौजूदा समय में आप देखेंगे तो उदयपुर की जो मैक्सिमम जो पर्यटक की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी हो चुकी है। तो इस पर्यटक को और ज़्यादा वहाँ पर डेवलप करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाए जाने के लिए तो यहाँ पर ट्रेनों को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि उदयपुर के जो टोटल पर्यटक की हिस्सेदारी होती है वो 40% हिस्सेदारी तो है दोस्तों गुजरात की तरफ से ही राजस्थान में आता है उदयपुर के लिए। और मैक्सिमम जो पर्यटक की हिस्सेदारी होती है उदयपुर में वह 40% हिस्सेदारी को पूरा करता है हमारा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद उदयपुर के जुड़ने से न सिर्फ रेल संचालन आसान हो जाएगा, न सिर्फ बसों की यात्रा से मुक्ति मिलेगी, बल्कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस रूट पर डेवलप जो है किए जा सकेंगे। तो हम उदयपुर अहमदाबाद की बात करने वाले तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो अगला महीना बीता है लगभग उसी समय में इस रूट पर CRS किया गया था, CRS इन्फेक्शन किया गया था RK शर्मा जी के नेतृत्व में। 38 किलोमीटर का सेक्शन था, जय संबंध रेलवे स्टेशन और खरवा चंदा, यह दो रेलवे स्टेशन थे। दोनों रेलवे स्टेशन के बीच में CRS इन्फेक्शन करके तेज गति से ट्रेनों को दबड़ाया गया, उसके पर ट्रायल किया गया, यहाँ पर टनल को चेक किया गया, कर्व की क्या पोजिशन है, ब्रिज कैसा है, ब्रिज का बेसमेंट कैसा है, फाउंडेशन कैसा है, तो मैक्सिमम काफ़ी सारी चीज़ें जो कि एक CRS इन्फेक्शन में होती है यहाँ पर CRS की टीम के साथ में इन सब चीज़ों को यहाँ पर चेक किया गया। मगर कुछ कमियाँ मिली, कमियाँ जो थी 38 किलोमीटर के रूट में 28 कमियाँ देखने को मिली थी। मैक्सिमम जो कमियाँ देखी गई थी वह थी भाइयों यहाँ पर टनलिंग को, टनलिंग में थी, और कुछ जो चीज़ें थी वह रेलवे स्टेशन पर सिग्नल प्रणाली को मजबूत कराने के लेकर बात की गई थी। तो एक चीज़ तो आपको बता दें चलो कि सिग्नल प्रणाली को मजबूत कराने का जो कार्य है वह तो किया जा चुका है, आप लोग स्टेशन पर जाकर उसके अपडेट ले सकते हैं, और वह हमने आपको बता भी दिया है कि सिग्नल प्रणाली को मजबूत किया जा चुका है। उसके अलावा सिग्नल प्रणाली दो तरह की थी, एक तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेनों की सिग्नल प्रणाली को लेकर वह मजबूत थी, साथ ही में दूसरा जो थे मोबाइल नेटवर्क को लेकर, ताकि यहाँ पर सेटेलाइट वगैरह पर जो संपर्क होते हैं रेलवे के वो सुचारू रूप से किया जा सके, तो यह सब भी काम भी पूरा हो चुका है। तो भाई टनलिंग में लीकेज वगैरह की समस्या थी, वहाँ पर लाइटिंग के लिए एक्स्ट्रा बिजली घर बनाने की बात की गई थी, तो वह भी जो है तेज गति से किया जा रहा है। बाकी कर्व को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रेलवे का जो टर्निंग ऑफ कर्व था वह काफ़ी बराबर नहीं था, तो उसको भी यहाँ पर चेंज कराने की बात जो है की गई थी। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर पूरी हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत जो काम है वह पूरा किया जा रहा है और अगस्त महीने के अंत तक कार्य को पूरा किया जा चुकेगा। तो 1 सितंबर से लेकर यहाँ पर 10 सितंबर के बीच में जो ट्रेनों की लिस्ट आई है लगभग इसमें जो है अहमदाबाद उदयपुर के बीच में 2 इंटरसिटी चलाने की बात की गई है। 2 इंटरसिटी जो है अहमदाबाद से नहीं चलाई जाएगी बल्कि अचरवा से संचालित जो है की जाने वाली है। उसके अलावा जयपुर से लेकर अहमदाबाद, कोटा से लेकर अहमदाबाद और डूंगरपुर और अचरवा जो डेमू ट्रेन इसको उदयपुर से संचालित करने की मांग जो है की गई। उम्मीद करेंगे ये सब जो ट्रेनें हैं आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन भी 2023 मार्च तक पूरा हो जाएगा। हम फिर मिलते लगातार नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।